फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हमराम क्लासेस। आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, राकेश इज टू पुअर। इसमें क्या करना है, रिमूव टू करना है, टू को हटाना है। राकेश इज टू पुअर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, राकेश इज टू पुअर, यहां से टू को हटाना है। यहां हम लोग जैसे टू हटाएंगे, लेकिन उसका मीनिंग जो है सेम रहेगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा। वी हैव टू रिमूव टू फ्रॉम दिस सेंटेंस, बट आफ्टर रिमूविंग टू द मीनिंग विल रिमेन सेम, मीनिंग विल नॉट चेंज। चलिए, तब राकेश इज टू पुअर तो हो जाएगा, जब हम लोग टू हटाएंगे, जब टू हटाएंगे तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा ए पॉजिटिव डिग्री, जिसे पुअर हो गया पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री पुअरर हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री पुअरेस्ट हो जाएगा। तो जब हम लोग टू हटाएंगे तो हम लोग कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे यहां पर पुअर था तो पुअरर हो जाएगा। तो जब राकेश इज पुअरर, उसके बाद हम लोग जैसे कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं, हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री में हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। तो क्या जाए, राकेश इज पुअर आर देन, राकेश इज पुअर आर देन, इट इज प्रॉपर। राकेश इज पुअर आर देन, इट इज प्रॉपर सेंटेंस हो गया था हम लोग का। राकेश इज पुअर देन इट इज प्रॉपर। यहां पर क्या था सेंटेंस हम लोग का, राकेश इज टू पुअर। तो हम लोग क्या था, पुअर को पुअर कर दिए और इसको हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ दिए। हम लोग ऐसे वाला सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, देन इट इज प्रॉपर को एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाता है, राकेश इज पुअर देन इट इज प्रॉपर। राकेश जितना उचित है उससे भी ज्यादा गरीब है। इसका दूसरा तरीका होगा, इसका दूसरा तरीका टू को हटाने का, राकेश इज पुअरर, राकेश इज पुअरर then it should be। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, राकेश इज पुअरर देन इट शुड बी। चलिए दूसरा नंबर है हम लोग का, दूसरा नंबर सेंटेंस है हम लोग का, रेखा इज टू फास्ट, रेखा इज टू फास्ट। यहां से हम लोग को टू हटाना है। तो क्या हो जाएगा, उसी प्रकार जैसे हम लोग पहला वाला बनाया, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, रेखा इज, उसके बाद इसको तो हटाना है, क्या हो जाएगा, फास्टर, उसके बाद क्या हो जाएगा, देन इट इज प्रॉपर। तो सेंटेंस हो जाएगा, रेखा इज, क्या जाएगा इसका कंपेरेटिव फास्ट का, फास्टर हो जाएगा, ई आर जुड़ जाएगा, रेखा इज फास्टर देन इट इज प्रॉपर। रेखा इज फास्टर देन इट इज प्रॉपर। उसी प्रकार तीसरा भी हो जाएगा, You are too tall.
तो ये भी क्या हो जाएगा तब, यू आर क्या हो जाएगा, टॉलर देन इट इज प्रॉपर, सेंटेंस हो गया यू आर टॉलर देन इट इज प्रॉपर, या यू आर टॉलर देन, यू आर टॉलर देन इट शुड बी। चौथा नंबर, वी आर टू स्लो, वी आर टू स्लो, चलिए इसको बनाते हैं, वी आर क्या जाएगा, स्लो से स्लोवर हो जाएगा, देन इट इज प्रोफार, वी आर स्लोअर 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 देन इट इज प्रोफार। नेक्स्ट हो जाएगा, सी इज अगलियर यहां हम लोग क्या करते हैं, ये वर्ड जो अगली है इसके अंत में वाई है, ऐसे वर्ड जिसके अंत में वाई रहता है उसके आगे कंसोनेंट रहता है तो हम लोग वाई को आई में चेंज करते हैं और ई आर जोड़ देते हैं, जैसे ये अगली क्या हो जाएगा, अगलियर हो जाएगा, यहां Y को I में चेंज कर दिया और लास्ट में ER जोड़ दिया। जैसे अगली हो गया, जैसे cry में भी अगर हम लोग जब इसको प्लुरल बनाना है या एस जोड़ना हो तो वाई को हम लोग आई में चेंज करते हैं और एस जोड़ते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगली में वाई को ई, वाई को आई में चेंज करते हैं और ई आर जोड़ते हैं, तो सी इज अगलियर देन इट इज प्रोपर, C is uglier than it is profar। चलिए इस प्रकार के सेंटेंस से किस प्रकार हम लोग टू हटाते हैं। Now let me teach you how to remove two from this kind of sentence। These sentences are different from those sentences। ये सेंटेंस जो है पहले वाला सेंटेंस से अलग है, क्योंकि पहले वाला सेंटेंस क्या था, राकेश इज टू फैट, यहां तक था, इधर नहीं था, यहां टू प्लस वार वन नहीं था। और एक इन सेंटेंसों में क्या था, क्या है, राकेश इज टू फैट, उसके बाद टू प्लस वार वन है, यहां पर भी टू प्लस वार वन है, यहां पर भी टू प्लस वार वन है। तो ऐसे वाले सेंटेंस को जब हम लोग चेंज करते हैं, रिमूव टू करते हैं, तो उससे अलग है। जैसे राकेश इज टू फैट टू रन, इसको जब हम लोग चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग टू को हटा देते हैं, तो क्या राकेश इज टू के बदले सो का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दैट ही कैनॉट रन हो जाएगा। When we change these sentences, when we remove two from these sentences, we write Rakesh is so fat that he cannot run. We use so instead of two. चलिए एक नंबर बनाते हैं, सिक्स नंबर, तो हो जाएगा Rakesh
इज, जहां टू है वहां पर सो का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा, राकेश इज सो फैट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां से यहां तक जैसा है वैसे, खाली हम लोग टू के बदले हम लोग सो लगा दिया। उसके बाद क्या लगेगा, दैट। उसके बाद हम लोग क्या क्या करते हैं, अभी सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट यहां पर राकेश है, तो राकेश हम लोग फिर से नहीं लिख करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिपीट नहीं करते इंग्लिश में हम लोग, तो इसमें राकेश के बदले क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, राकेश इज सो फैट दैट ही। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, कैन नॉट वर्ब रन, तो राकेश इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन हो गया। यहां प्रेजेंट टेंस है अर्थात इज MR रहेगा तो हम लोग यहां पर कैन नॉट का यूज करते हैं, अगर पास्ट टेंस रहेगा वाज में रहेगा तो हम लोग कुड नॉट का यूज करते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर अगर इज MR है तो कैन नॉट का यूज होगा, अगर वाज में रहेगा तो कुड नॉट का यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चलिए इसको हम लोग टू हटाते हैं इससे। तो मोहित इज टू पुअर टू बाय बुक, मोहित इज टू पुअर टू बाय बुक, तो क्या हो जाएगा, मोहित इज सो पुअर, मोहित इज सो पुअर दैट, मोहित इज सो पुअर दैट, क्या हो जाएगा, उसके बाद डेट के बाद हम लोग क्या यूज कर, सब्जेक्ट क्या, मोहित है तो ही हो जाएगा, लड़का रहेगा तो, लड़की रहेगा तो सी हो जाएगा, मोहित इज सो पुअर दैट ही। उसके बाद ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में इज MR इज है अर्थात क्या होगा, कैन नॉट। उसके बाद क्या होगा, बाय दिस, बाय बुक, बाय बुक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वी आर टू वीक टू वर्क, वी आर टू वीक टू वर्क, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे जॉब, तो क्या हो जाएगा, वी आर सो वीक दैट वी कांट वर्क। लेट्स चेंज दिस सेंटेंस, लेट्स रिमूव टू फ्रॉम दिस सेंटेंस, सो द सेंटेंस विल बी, वी आर एंड वी शैल यूज सो इंस्टेड ऑफ टू, वी आर सो एंड देन वीक, वी आर सो वीक दैट, After that we use the subject. Subject is we. We cannot. We cannot work. Finished.